हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आइए आज मैं आप लोगों को ओनियन ऑयल बताती हूँ जो कि बहुत ही इजी है। ये देख सकते हो आप, मैंने चार प्याज लिए थे स्मॉल साइज़ के और मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। मतलब बारीक चॉप करके उसको थोड़ा सा कूट लिया था, मिक्सी में नहीं पीसना, सिर्फ हल्का कूटना है। ये 3 चम्मच मैंने लिया है मेथी दाना, इसको भी मैंने हल्का दरदरा ही पीसा हुआ है। मतलब दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे हल्के दरदरे ही रहेंगे, जैसे कि प्याज भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है और ये भी आप लोग को बहुत ज़्यादा मेथी दाना भी नहीं पीसना है। जैसे कि इस टाइम ठंड का मौसम है तो नारियल का तेल तो जम जाता है ना, इसलिए मैंने क्या किया है, ये देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्लास में निकालती जा रही हूँ। और ये मैं कैस्टर ऑयल ली हूँ, इसी दोनों ऑयल से हम बनाएंगे अपना ओनियन ऑयल। पानी को गर्म किया है और उसमें मैंने बोतल डाल दिया है नारियल का और धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहा है और वैसे मैं अपने ग्लास में निकालती जा रही हूँ। ये 250 ml मैंने लिया है नारियल का तेल और उसी हिसाब से मैंने 250 ml लिया है कैस्टर ऑयल भी। ये देख सकते हो मैंने जैसे मतलब ये कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में हमेशा में तेल बनाना चाहिए तो मतलब ज़्यादा सही रहता है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई मोटे वाली कढ़ाई का यूज़ कीजिएगा, पतला कढ़ाई ना रहे। और पहले हम लोग उसको गर्म कर लेंगे, गैस ऑन मैंने कर दिया, थोड़ा सा गर्म कर लेंगी। जैसे कि हमारा ये कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो वैसे ही मैंने गैस को एकदम लो कर दिया है और मैंने डाल दिया इसमें 250 ml जो हमारा नारियल का तेल था उसको। और ये हल्का सा ही मतलब कढ़ाई तो हमारी गर्म है ही, तो डालते मानी वो गर्म हो जाता है। और उतना ही मैंने लिया है कैस्टर ऑयल, मतलब दोनों की मात्रा जो है वो सेम ही है, थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब जैसे 250 ml मैंने लिया है कोकोनट ऑयल तो आप कह सकते हो 200 ml है कैस्टर ऑयल, बट कैस्टर ऑयल थिक होता है तो आप उसको मेल्ट करोगे ना तो वो 250 ml ही आ जाएगा। तो ये दोनों को मैंने डाल दिया है, हल्का सा गर्म हो जाएगा, देख सकते हो ये हल्का गर्म हो चुका है, बुझा आने लगा है। अब मैं डाल दूँगी उसमें मेथी दाना जो कि हमने हल्का दरदरा पीसा हुआ था जो मैंने आपको बताया है। और मेथी दाना जैसे ही हमने डाला है वैसे ही थोड़ा सा देख सकते हो खोलने लगा है। अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज जो कि हमने पीसा हुआ है, या प्याज देख सकते हो मैंने हल्का सा कूटा हुआ है। अगर हल्का सा कूटना नहीं चाहो तो मिक्सी में सिर्फ मतलब एक नंबर पर चला करके बस 10 सेकंड के लिए चला के तुरंत बंद कर दीजिए तो भी ये हो जाता है, अगर आप लोग कूटना ना चाहो तो। ये 4 स्मॉल साइज का प्याज था और 3 चम्मच मेथी दाना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉईल होने देंगे और इसको चूरने देंगे कम से कम आधे घंटे। आधे घंटे आप लोग घड़ी से देखते रहिएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। और एक मैं आप लोग को और ट्रिक बताऊं तो जैसे अगर आप लोग घी वगैरह कभी अपने घर पे बनाते होगे तो जैसे आप लोग जब डालते हो लेनून तो देखते हो कि ना कि पहले तो बहुत ज़्यादा झाग फेंकने लगता है, एकदम ऊपर तक आ जाता है। जैसे कि मैं अभी आप लोग को दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो ये एकदम ऊपर तक आ चुका है ना, तो ऐसे ही झाग ऊपर तक आएगा और आपको इसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे घी में होता है ना कि आप लोग अगर नहीं चलाओगे तो वो नीचे गिर जाता है, वैसे ही इसमें भी यह है कि कैस्टर ऑयल की वजह से ये है। अगर आप लोग नारियल तेल का सिर्फ बनाओगे तो नारियल के तेल में ऐसा नहीं है, बट कैस्टर ऑयल अगर आप लोग डाले हो तो ये मतलब घी जैसे बनाते हैं ना आप लोग, वैसे ही आएगा ऊपर तक आएगा और फिर ये एक मतलब जब ये बन जाएगा तो खुद ही अपने आप नीचे बैठ जाएगा। जैसे घी भी होता है ना कि लेनून जो हम लोग डालते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है, लेकिन जब वो बन जाता है तो अपने आप ही बैठ जाता है और हम लोग को समझ में आ जाता है कि हमारा बन के तैयार है। वैसे ये ओनियन ऑयल में भी यही है, ये देख सकते हो ये बैठ चुका है अपने आप ही और ये लमसम हो भी चुका है। हमारा जो प्याज है वो भी हल्का हल्का ब्राउन शेप में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, 5 मिनट और चला दूंगी और अच्छे से ये और हो जाए और 5 मिनट बाद मैं इसको गैस को ऑफ कर दूंगी। अब देख सकते हो जैसे नारियल के तेल में सिर्फ आप लोग बनाओगे तो ये चीज़ आप लोग देखते रहिएगा कि जैसे ही आप लोग का हल्का लाल हो जाए प्याज उसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर दीजिएगा। ये देख सकते हो हल्का लाल हो चुका है ना, अब मैं इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर दूंगी। और गैस को ऑफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी कढ़ाई में तेल को अभी रहने देंगे, बट ये लोहे की कढ़ाई में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग जैसे सिल्वर की कढ़ाई में बना रहे हो तो उसमें मत रहने दीजिएगा, उसमें तो आप लोग तुरंत ही छान लीजिएगा, बट लोहे की कढ़ाई में क्या होता है थोड़ा बहुत अर्ग आना चाहिए लोहे का, इसीलिए मैं थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको ओवर नाइट के लिए इसी में छोड़ दूंगी। कल मैं इसको मतलब निकालूंगी छानूंगी। तो अभी आप लोग चाहो तो मतलब जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग इसको जैसे अगर आप लोग सिल्वर की कढ़ाई यूज़ नहीं कर रहे हो, सिल्वर की कढ़ाई यूज़ कर रहे हो तो उसको मत रखिएगा, उसको आप तुरंत छान लीजिएगा। बट जैसे कि मैं लोहे की कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको ओवर नाइट के लिए छोड़ दूंगी और फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट डे बताती हूँ उसके साथ क्या करना है। मतलब ओवर नाइट के लिए आप लोग इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये देख सकते हो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊं अपने ऑयल को खोल करके, ये मतलब थोड़ा सा थिक हो चुका है क्योंकि ये स्टैंड ठंडी पड़ रही है तो ये फिर से जम गया है। मैं क्या करूँगी, उसको हल्का सा गर्म कर लूँगी और ये थोड़ा सा और भी पक गया था क्योंकि मैंने गरम गरम ही रख दिया था, इसलिए मैं गैस पर चढ़ा दी हूँ उसको गर्म होने के लिए। और ये देख सकते हो मैं शीशे का जार ली हूँ, शीशे का जार मस्ट है तेल बनाने के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग होम्योपैथिक आयुर्वेदिक तेल बनाते हैं तो घर पर हम लोग बना रहे हैं तो हमेशा शीशे की जार ही यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक की जार हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तेल को हम लोग क्या करेंगे, धूप में भी रखेंगे और कहते हैं ना प्लास्टिक का भी गर्म चीज़ को नहीं मतलब नहीं रखना चाहिए, खाने पीने का सामान भी गर्म चीज़ मतलब प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हम शीशे का जरिए यूज़ करूँगी। और ये मैंने लिया है एक सूती का कपड़ा
जिससे कि हमारा तेल जो है वो अच्छे तरीके से मतलब छन जाएगा। और ये हमारा मतलब मैंने तेल थोड़ा सा गर्म कर लिया है गैस पे और ये सूती कपड़ा मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको छानने के प्रोसेस में चलती हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि हमेशा मतलब जैसे कॉटन का भी कपड़ा ले सकते हो, बट कॉटन के कपड़े में ना उतने अच्छे तरीके से नहीं वो छन पाएगा जितना अच्छे तरीके से सूती के कपड़े में छनेगा। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी सूती कपड़ा लीजिएगा ना कि कॉटन का। और ये मैं धीरे धीरे डालती जाऊँगी। आप देख सकते हो थोड़ा सा गर्म है कढ़ाई, तो इसलिए मैं उसको कपड़े से पकड़ी हुई हूँ। और ये मैं एक एक चम्मच करके डालती जाऊँगी। और ऐसे आप लोग हल्का हल्का से डालते जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग डालते जाओगे तो कपड़ा जो है वो नीचे गिरता जाएगा, इसलिए थोड़ा सा उसको ऊपर करके मतलब बंद करके कर लीजिएगा जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ वैसे ही। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि पहले आप लोग तेल को निकाल के डालिएगा, क्योंकि अगर आप लोग उसके सामान को भी जैसे डाल दोगे जैसे प्याज और जो मेथी दाना है ना, तो वो मतलब जम जाएगा, तो फिर वो तेल ही नहीं मतलब जाम हो जाएगा, तो फिर वो तेल नहीं जाएगा। इसलिए पहले आप लोग तेल को मतलब निकाल के डाल दीजिएगा जैसे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वैसे ही। पहले आप लोग तेल को निकाल के डाल लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग मतलब कि जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं नीचे बचे उसको डालिएगा। ये देख सकते हो हमारा तेल बन के तैयार हो चुका है। 250 ml मैंने लिया था कोकोनट ऑयल और 200 ml ली था मैंने कैस्टर ऑयल। इन दोनों तेल को मिलाकर के 250 ml का ये मेरा जार है। 250 ml तेल बन चुका है, क्योंकि थोड़ा सा तेल पकने में से मैंने आधे घंटे पकाया थी ना, तो आधा घंटा जब हमने पकाया तो ये अपने आप ही थोड़ा सा तेल उड़ जाता है, तो इसलिए ये 250 ml का ही से बन सीसी है और 250 ml हमारा तेल बन के तैयार हुआ है। तो ये मैंने क्या किया है कि एक मैंने लिया है प्लेट, क्योंकि उसमें तो पूरा भर चुका है, अब तो वो छन नहीं पाएगा। तो मैंने लिया एक प्लेट और प्लेट में ली मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे लास्ट के बचे हुए मैंने उसको निकाल लिया, क्योंकि अब मैं तेल में ही मतलब प्लेट में ही छानूंगी, फिर उसके बाद उस प्लेट में जो हमने छानूंगी उसी को मैं डाल दूंगी शीशे के जार में अपने, क्योंकि वो ऊपर तक भर चुका है तो फिर वो कैसे जाएगा। इसलिए मैं पहले प्लेट में अपने छान लेती हूँ, जैसे मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। ये देख सकते हो मैंने पहले प्लेट में अच्छे तरीके से गाड़ के निकाल दे रही हूँ जितने कि हमारे बचे हैं, क्योंकि लास्ट वाले जो बचते हैं ना वो लास्ट वाले तो बहुत ही मस्ट होते हैं, क्योंकि उसके साथ क्या होते हैं हमारे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते हैं जो बहुत ही पतले पतले से होते हैं वैसे, इसलिए लास्ट वाले अर्ग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से निचोड़ करके निकाल लीजिएगा तेल को, और इस तेल को हम लोग डाल देंगे अपने सीसी में जो हमने अभी मतलब जो मेरे भर गए थे, जो मैंने आपको बताई थी ना थोड़े से भर गए थे, और फिर वो मेरे सीसी भर चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो तेल बचा है इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि मैं अभी इसको लगाऊंगी, इसलिए क्योंकि मतलब थोड़े से बचे थे इसलिए मैं इसको तेल में मतलब प्लेट में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको लगाऊंगी। और मेरा सीसी भी ऑलमोस्ट भर ही चुका है। तो ये 250 ml का जार है, तो 250 ml का जार तो सिर्फ नीचे तक लाइन तक ही रहता है, तो ऊपर तक भरा है तो 1-2 ml और ज़्यादा होगा, बाकी ज़्यादा तेल नहीं है। जैसे 200 ml मैंने 250 ml कैस्टर कोकोनट ऑयल और 200 ml कैस्टर ऑयल में इतने तेल बनके हमारे तैयार हुए हैं। इसको आप लोग एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि इस टाइम ठंडी का टाइम चल रहा है, तो ठंडी के टाइम में क्या होता है कि आप लोग जानते हो ठंड ज़्यादा रहती है हर जगह, उमस नहीं बनी होती है लेकिन तो भी ठंडी तो हर जगह ही रहती है, तो इसलिए इसको ना आप लोग धूप जोर दिखाना। जैसे कि बन चुका है तो मैं इसको 2 धूप जरूर दिखाऊंगी। ये देख सकते हो आप ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बिल्कुल भी जले नहीं है, जैसे कि आप लोग को मैं बताई हूँ कि हल्का सा जब लाल हो जाएगा प्याज उसी टाइम गैस को ऑफ कर दीजिएगा। और तेल को आप लोग को 2 दिन जैसे बनने के बाद आप लोग को 2 दिन कड़ाके की धूप जरूर लगानी है, अगर कम धूप है तो 3 दिन लगा दीजिए। और जैसे कि अगर आप लोग लगा रहे हो तो ये 1 महीने के लिए तेल हमारा बन के तैयार है, तो आप लोग 1-2 हफ्ते बाद इसको धूप जरूर लगाते रहिएगा, मतलब सीधे ही सीधे के जार को सीधे ही आप लोग धूप में रख दीजिएगा, मतलब 1-2 हफ्ते मतलब जरूर इसको सीधे, जैसे अगर आप लोग का 4 हफ्ते चल रहा है तेल तो 2 हफ्ते बाद एक बार जरूर उसको धूप लगाइए, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है इस तेल के लिए, क्योंकि उसमें प्याज मिला है, प्याज में होता है पानी, आप लोगों को तो पता ही है कितना भी तेल उड़ा दिया हो मतलब गैस उड़ा हो पानी, क्योंकि थोड़े बहुत पानी तो रह ही जाते हैं, इसलिए तो आपका तेल खराब ना हो इसलिए धूप लगाना बहुत ही जरूरी है। एंड मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसे ही स्पेशल ट्रिक वाले एक मतलब रेसिपी चाहिए खाने के लिए या फिर बालों के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।